क्रिकेटर इमरान नजीर ने क्रिकेट छोड़कर प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया है और बहरिया टाउन में एक शानदार ऑफिस बना लिया है। इमरान नजीर ने आखिर क्रिकेट क्यों छोड़ी और प्रॉपर्टी का काम ही क्यों शुरू किया, आइए जानते हैं इसके पीछे कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अतर अब्बासी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहरिया टाउन लाहौर में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं इमरान नज़ीर की पिक्चर। तो बिल्कुल हम आपको लेके आए हैं इमरान नज़ीर एसोसिएट्स में। आज हम आपको मिलवाएंगे इमरान नज़ीर से और उनसे जानेंगे कि इस वक्त वो कहाँ हैं, बहरिया टाउन में क्या कर रहे हैं, क्रिकेट के मैदानों में क्यों नहीं नज़र आते, क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट ले ली है या नहीं ली, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं लेजेंडरी क्रिकेटर, लेजेंडरी बल्लेबाज इमरान नज़ीर से। इमरान भाई, ये जानना चाह रहे हैं सबसे पहले तो हम कि इमरान नज़ीर, जिसको पूरी दुनिया बल्कि पूरा पाकिस्तान कह लें, आपको क्रिकेट में ढूंढ रहा है और आप इस वक्त बहरिया टाउन में हैं, ये एक ऑफिस आपने लिया हुआ है, तो बताइए कि कहाँ है वो इमरान नज़ीर जिसको सारा पाकिस्तान ढूंढ रहा है। वेल, थैंक यू सो मच। और कहीं नहीं, आज सबके सामने ही हूँ। और एक्चुअली क्रिकेट से बस वो कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली के मेरा ख्याल है सबको आइडिया ही पता है कि बस एक बीमारी ऐसी डिज़ीज़ के अथराइटिस, जिसकी वजह से मैं कोई अराउंड पिछले कोई 6 से 7 साल क्रिकेट ही ना खेल पाया। और जब वापस आया तो डेफिनेटली एक एज और प्लस फिर स्ट्रगल करता रहा हूँ लेकिन एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना, सारी उम्र क्रिकेट भी नहीं खेलनी थी। और जहाँ तक ऑफिस की बात है तो ज़रूर मेरा एक्चुअली शुरू से ही बिज़नेस का बड़ा मुझे वो शौक़ था और माइंड भी यही था कि आफ्टर क्रिकेट अगर कुछ किया तो मेरे ख्याल में बिज़नेस। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं इसके ऑफिस की बात करूँ तो स्पेशली मेरा ख्याल है कि हमारे कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब, जिनके मेरे ऊपर बहुत नहीं बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट, और ये ऑफिस समझे उन्हीं का ही है, और उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया। आफ्टर गार्ड अगर मेरा ख्याल है कि मैं अगर आउट ऑफ द वे जाके भी अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि जब मैंने एक बिज़नेस का डिसीजन लिया तो उसमें बहुत नहीं बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया। इमरान, अगर देखा जाए तो अभी भी आप पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ियों से फिट नज़र आते हैं। देख, अब जब आप वापस आए 2017 में तो ऐसे लगा कि अंडर 19 का इमरान नज़ीर वापस आ गया, और आपकी शॉट्स हिटिंग देखी, आपकी प्रैक्टिस देखी, आपकी शॉट्स में अभी भी वही जान थी। लाहौर कलंदर ने आपको साइन भी किया साथ, आपने बड़े इंटरव्यूज़ भी किए, बट उसके बाद लाहौर कलंदर में आपकी जगह सलमान भट्ट को शामिल कर लिया गया। मैं उस स्पेसिफिक लीग की बात कर रहा हूँ उस साल की, तो बड़ी हैरानगी हुई। तो इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों नहीं आपको लिया गया? आई थिंक क्वेश्चन डेफिनेटली नो डाउट थोड़ा टफ है, लेकिन मैं कभी किसी के ऊपर वो कहते ना ब्लेम नहीं देता, मैं हमेशा अपने आप को ही ब्लेम देता हूँ। और जिस तरह आपने बात की, नो डाउट बिल्कुल लाहौर कलंदर के साथ मैं अटैच रहा हूँ। आज आफ्टर फिटनेस बिल्कुल उन्होंने मेरी काफ़ी उन्होंने भी मेरी इस चीज़ में हेल्प की और मुझे अपने साथ अटैच किया, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिस मैचेस और बहुत सारी उनकी चीज़ों में मैं उनके साथ एक्टिविटी में साथ रहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक जब गैप आता है तो उसमें फिर जब वापस अपने फील्ड में जब आते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। बड़ी चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपको कुछ डिसीजन ऐसे लाइफ में लेने पड़ते हैं कि आपने अपना फ्यूचर देखना होता है। तो मैंने बेसिकली ये चीज़ इसलिए डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चों का जो है वो हर आदमी माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो, तो इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी ये डिसीजन लिया। तो बाकी रही बात फिटनेस की, एक्चुअली कोई भी प्रोफेशनल है डेफिनेटली वो ट्रेनिंग शेनिंग करता रहता है, तो मैं शुरू से भी थोड़ा स्किनी हूँ। के अलावा हमें बताइए कि ICL आप खेलने के इंडिया में आप खेले, वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आपकी फ़ैन हो गई, बड़े प्यारे लगते थे आप उस वक्त, तो वहाँ की कोई ऐसा स्टोरी सुनाएं कि जब आप मैच खेल के बाहर जाते थे तो फैंस का क्या रद्द अमल होता था उस वक्त? या नो डाउट, एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं, देखिए फैंस एक ब्लसिंग कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में आपको इज़्ज़त, वो कहते हैं इंसान
इज्जत पाने के लिए भेजा है दुनिया में, तो वो लोग अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं फैंस हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से ट्रीट करें। बाकी देखें जो क्रिकेट की बात है तो मेरे ख्याल में वो एक पीक का टाइम कह लें, और उस वक्त जब T20 नई नहीं आई और हम मैच जिस टाइप की खेलते, मुझे तो फ्री एक लाइसेंस मिल गया और मैंने फिर जिस तरह परफॉर्म किया वो सबके सामने। आपने और शोएब मलिक ने इकट्ठे क्रिकेट शुरू की, एक ही इलाके से आप लोगों ने क्रिकेट शुरू की, इकट्ठे सियालकोट स्टैलियंस में भी खेलते रहे, आज भी शोएब मलिक जैसे आप फिट हैं वो भी वैसे ही फिट हैं, बस ये है कि मेरे ख्याल से उनकी किस्मत अभी तक साथ दे रही है और वो अभी भी बिल्कुल पहले की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। शोएब मलिक के साथ कैसे आपका सफ़र गुजरा है, उनके बारे में कुछ बताइए। शोएब मलिक यार हम दोनों समझे बेस्ट फ्रेंड और बड़ी हमारी यारी है, सारा सबको ही पता है कि ये दोनों बड़े यार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। मेरी वर्ल्ड कप जाने से पहले भी बात हो रही थी। शोएब मलिक नो डाउट, देखो एक्चुअली वो रनिंग में था, मेरा एक कैप पड़ गया और वो रनिंग में था, और जिस तरह उसने देखो आपको क्रिकेट फ्लो में रहना चाहिए, और वो जिस तरह का प्रोफेशनल है, जिस तरह का वो एथलीट है, शुरू से ही हम लोगों ने बेसिकली एक दूसरे को वो कहते हैं टसलबाजी से ट्रेनिंग करते थे कि आज मैं इतना ज़्यादा करूँगा आप इतना ज़्यादा करना। कहने का मतलब शोएब मलिक सर बहुत ही बहुत ग्रेटेस्ट प्लेयर है। इमरान आपको अर्थराइटिस के साथ आपने फाइट किया, नो डाउट ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ लोग जब किसी को हो जाए तो उसके बाद लोग वापस बहुत कम ही आते हैं, आप उससे भी फाइट करके ग्राउंड्स तक आए, बहुत मोटिवेशन चाहिए इसके लिए, तो मोटिवेट आप कैसे हुए? फिर उसके बाद काफ़ी सारे आपके इंटरव्यूज़ में आपने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का भी जिक्र किया, तो शाहिद अफरीदी का इसमें क्या रोल था, उन्होंने कैसे आपको बैक किया, तो ये अपने फैंस को बताइए। वेल सबसे पहले तो आई थिंक मेरे हाल में अगर शाहिद अफरीदी का जिक्र ना हो तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और शाहिद अफरीदी बेसिकली हमारे मुल्क के लेजेंड और मेरी और उसकी बड़ी एक जोड़ी, आपको आइडिया है ये पता ही कि बड़ी मशहूर जोड़ी, और हम लोगों ने बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी क्रिकेट खेली है, उसमें मेरे से खैर उनसे बातचीत हुई और ये मैंने डिस्कस की कि अभी फाइनल जो ट्रीटमेंट है और उसके लिए अब ये एक्सपेंस जो है और मेरे पास अब नहीं है, उसकी वजह क्योंकि जो था वो मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी, लेकिन मैंने जो था मैंने लगाया, तो अभी चाहिए तो बस रिसेंटली आप मिल गए हैं, बातों बातों में ये बात होगी, तो रिसेंटली वो कहते हैं ना विद इन अ सेकेंड आगे से रिप्लाई है कि वेट ईजी हो जा, लेकिन पूरी फाउंडेशन को उसने हिला के रख दिया कि यार ये जब डॉक्टर है ना इसके लिए आपने एनी टाइम बिना मेरे अप्रूवल के जो जितना पैसा चाहिए इसको दो। इमरान जैसे कि आप बहरिया टाउन में हैं इस वक्त, बिल्कुल प्रॉपर्टी का काम है, बहुत प्यारा आपका माशाल्लाह ऑफिस है, तो बहुत से लोगों को तो पहले पता नहीं होता होगा कि हम जा रहे हैं, जैसे लोग आते हैं तो आके देखते हैं वो यार ये तो इमरान नज़ीर है, तो उसका भी आपको फ़ायदा होता है, फैंस जब आपका कोई फ़ैन आ जाता होगा वो तो आपसे घर या प्लॉट लिए बगैर यहाँ से जाता नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली बाय नाम ही इमरान नज़ीर सुसीड लिखा है और जानती है दुनिया मेरे बिल्कुल फ्रंट पे एफिल टावर है और वहाँ आपको पता है कि कितनी दुनिया आती है और नहीं नहीं आती हैं, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं और पिक्चर शिक्चर लेते हैं मेरे साथ, हाँ अगर कहीं ऑफिस में अंदर मीटिंग में या वैसे बिजी हूँ तो तब नहीं, अदरवाइज कहीं फ्री टाइम में अगर कोई आ जाता है या बाहर कहीं हूँ खड़ा हूँ या वैसे बाहर आता हूँ लोग देखते हैं, तो मैं अगर लोगों को ये चीज़ कन्वे कर रहा हूँ कि आपको मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि मैं खुद अप्लाई अपने पर करता हूँ, और मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि इमरान ने किसी से बदतमीजी की हो, अब वो कहते हैं ना हमेशा हमारा इस्लाम कहता है माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तो वो कहते हैं ना लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, बाकी ये नहीं है कि आए और आते ही उसने कुछ ना कुछ लेके ही जाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि इमरान अजीज एसोसिएट पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आप आएँ आप विज़िट करें। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, और इसी तरह आप भी अच्छी अच्छी बातें करते रहें, इंशाल्लाह हम आपको क्रिकेट ग्राउंड में भी ज़रूर देखेंगे, एज अ कोच देखेंगे, एज अ मेंटोर देखेंगे, और आपको हम टीवी पे तो देखते ही रहते हैं, आपके तजिए हम देखते हैं। नाज़रीन ये थे इमरान नज़ीर जिन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, उर्दू पॉइंट को टाइम दिया जिसके लिए हम इनके मशहूर हैं, मज़ीद ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ देखने के लिए आप भी देखते रहिए उर्दू पॉइंट।